बीजेपी कैसे लगाते हैं, बीजेपी शराब बांटती है। आज मैं कांग्रेस वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके ऑफिस के बाहर शराब बांटा जा रहा है, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? क्योंकि इन्होंने हमारे पहलू में लोगों को तंग किया। तो शराब जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की दुकानों से मिल रही है। किसके पास है वो पैसा? कांग्रेस वालों ने जगह जगह पे शराब खुद छोड़ते हैं और बाद में बोलते हैं कि नहीं। आज उनके ऑफिस के बाहर जो प्रूफ हो गया तो उनके ऑफिस के टाइम पे गड़बड़ी लगा के हमारा ऑफिस है पार्टी का। आप खुद मीडिया वाले देख रहे हो कि कितनी शराब पकड़ी हुई है। तो छोड़िए, उसका पैसा कहाँ है? पैसा सब हमारे पास फुटेज है। हम फुटेज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को बताएंगे। बीजेपी के ऐसे गुंडे लोग जो है वो इस समय आम लोगों को, शरीफ लोगों को शराब की जो है वो इसमें लत लगाने की ओर जोर दे रहे हैं। आप कंपेनिंग करिए, सही तरीके से लड़िए। कांग्रेस की तरह नहीं, शराब बांटो और वोट लो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। के बाजार पूनी के एक दुकान से, कपड़े वाली एक दुकान से जो है वो शराब की जो है वो बोतलें बरामद हुई हैं। उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर दिया गया। हम चाहते हैं उससे बीजेपी का ओहदा भी दिया गया है। ओहदे तो इन्होंने घर घर जाके जो है वो बांटे हुए हैं। हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से ये तावन रखते हैं कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द विद फोटोग्राफ्स उस शख्स का जो है वो प्रेस रिलीज के जरिए सबको जो है वो आवंटित करे। फुटेज जो है जो हमने निकाल ली है उसमें पैसा जो पकड़ा गया है और वो जो पुलिस के हवाले जारी की गई है, क्यों छोड़ी वो पाए? जो पैसे बांट रहे हैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। एडमिनिस्ट्रेशन आंखें बंद करके क्यों बैठी है? नहीं उठेगा तब तक इसका फैसला नहीं होगा। जी चलिए, ये विजुअल्स जो हैं हम आपको बता रहे थे। एक तो बीजेपी का पक्ष है और दूसरा जो है वो कांग्रेस और एनसी का जो अलायंस है उनके नेताओं का पक्ष है। पिछले तीन दिनों से जो विधानसभा क्षेत्र रियासी है उसकी जो भी घटनाक्रम इस दौरान हुआ है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। पिछले तीन दिनों का आरोप प्रत्यारोप शराब बांटने को लेकर दोनों ही पक्षों द्वारा लगाए जा रहे हैं, बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसी का जो अलायंस है इनके नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा। दो दिन पहले की अगर बात करें तो पूनी के मुख्य बाजार में कांग्रेस और एनसी के नेता इकट्ठे होते हैं और भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं और ये कहते हैं कि पूनी दमेल में एक वाहन जो है वो पकड़ा गया था, पहले जो टीम होती है, जो स्पेशल टीम्स लगाई गई हैं सर्विलेंस के लिए, और उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं की, उस वाहन में शराब और पैसे थे। ये पहला आरोप था, इससे मामला शुरू हुआ और कल जो एक कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई थी पूनी के मेन बाजार में एक दुकान से शराब पकड़ी गई थी। ऐसे आरोप जो हैं वो ऐसा ये जानकारी जो है वो कांग्रेस और एनसी के नेताओं से ही हमें मिली थी और वो ये कह रहे थे कि पुलिस ने इसका कोई भी प्रेस नोट जो है वो जारी नहीं किया, वो जारी किया जाए ताकि मीडिया को भी इसके बारे में पता चले। ये दूसरा मामला आ गया और आज का मामला आपको बता दें जो कि कैमरे में भी कैद है। पहली दो जो घटनाएं हैं उसका, पहली घटना का एक वीडियो भी हमने इस वीडियो फुटेज में पहले आपको दिखाने की कोशिश की है।
जिसमें बीजेपी के झंडे दिख रहे हैं गाड़ी में, लेकिन अथेंटिसिटी उस वीडियो की वो तो पुलिस जांच में ही पता लग पाएगा। या फिर ये मांग है एनसी और कांग्रेस के नेताओं की कि दुमेल पोनी में सीसीटीवी कैमरा अगर लगा है तो उसकी फुटेज निकाली जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। एक पहले भी हमने वीडियो जो पोस्ट किया था उसमें भी उनकी तरफ से ये मांग की थी और ये भी कहा था कि अगर उनके आरोप झूठे होते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। कल पुलिस द्वारा मेन बाजार पोनी में एक दुकान से शराब बरामद की गई, सीज्ड की गई, लेकिन उसकी जानकारी पुलिस द्वारा अभी तक जो है वो नहीं दी गई है। और आज का घटनाक्रम आपको बता दें कि आज अरनास से कुछ दूरी पर नरलू में कांग्रेस के कार्यालय के ठीक बाहर एक वाहन जो है वो लगा था और शायद भाजपा के नेताओं ने ही इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची और ये वाहन जो था वो लॉक था। इसे फिर खोला गया, चाबी तो नहीं थी लेकिन किसी और तरीके से खोला गया और अंदर दो शराब की पेटियां इससे बरामद की गई। जो जानकारी भाजपा के कार्यकर्ताओं से जो जो मीडिया बाइट उन्होंने दिया है उसके मुताबिक दो पेटियां इसमें, क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में भी कोई प्रेस नोट या फिर ऑफिशियल बाइट नहीं आया है, लेकिन दो पेटियां जो विजुअल्स में भी दिख रहा है और कांग्रेस के कुछ पैम्फलेट या फिर और कुछ सामान एडवर्टाइजमेंट का वो भी गाड़ी से बरामद हुआ है। और नरलू ठीक ऑफिस के बाहर ये वाहन लगा था, लॉक था, पुलिस ने आकर लॉक को तोड़ा था, उसके बाद ये शराब की दो पेटियां बरामद हुई हैं। तो इसी बीच कल करीब 9 बजे के करीब का समय था, एक घटनाक्रम और हुआ था, वो हमने फोटो और टेक्स्ट के माध्यम से पोस्ट कर आप तक जानकारी पहुंचाई थी कि पत्रकारिता छोड़ कांग्रेस ज्वाइन करने वाले करणदीप सिंह पर दरान के पास साई से कुछ दूरी पर उनके वाहन पर हमला हुआ था। दो लोग उसमें सवार थे, एक तो करणदीप सिंह और उनके साथ एक और शख्स सवार थे, और सामने वाले शीशे पर पत्थर मारा गया था और करणदीप का ये कहना था कि पत्थर अंदर की तरफ भी आ गया था और उनके साथ जो बलवान सिंह बैठे थे उनको हल्की चोटें उसमें आई थी। जिसके बाद कांग्रेस और एनसी के नेता जो हैं डीसी रेसिडेंस के बाहर प्रदर्शन करने लगे। एडीसी भी मौके पर पहुंचे, डीएसपी हेडक्वार्टर रियासी नीरज जी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की गई और आश्वासन दिया कि जिसने भी ये किया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। और शिकायत भी करणदीप सिंह द्वारा पुलिस स्टेशन रियासी में दी गई, मामला पुलिस स्टेशन अरनास का था, उनके नाम की शिकायत भी इस मामले में की गई है। तो इन तीन शराब की घटनाओं पर या फिर जो भी जानकारियां कहें इन्हें इस पर, क्योंकि पहली जो कांग्रेस और एनसी ने आरोप लगाए थे उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और उनके आरोप यही थे कि उस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई, अगर उसमें शराब थी तो वो कहाँ गई और उन्हें कैसे छोड़ दिया गया, ये उनके आरोप हैं। दूसरी घटना जो पोनी के मेन बाजार में हुई, पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की और आज भी पुलिस ने, आज बीजेपी के लोगों ने जो जानकारी दी होगी शायद उसके बाद, उन्होंने नल्लू में कांग्रेस कार्यालय के बाहर वाहन से दो पेटियां शराब की बरामद की है। तो तीन घटनाएं हुई, उसी के बीच जो गाड़ी पर हमला होता है पत्थर से वो एक घटना जो है वो पेश आई है। पिछले 3 दिनों से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चल रहा है और इन 3 दिनों के जो विजुअल्स थे वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। सबने क्या कुछ कहा, क्या कुछ मांग कर रहे थे, क्या कुछ आरोप लगा रहे थे दोनों पक्ष, वो भी आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। और एक घटना जो पहले दिन जो आरोप कांग्रेस और एनसी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे थे मेन मार्केट पोनी में इकट्ठे हुए थे, उसके बाद बीजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और उनमें बहसबाजी और नोक चोक वहां पर देखने को मिली थी। तो एक घटना ये भी 2 दिन पहले जो है वो पेश आई थी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो 3 दिनों तक लगातार चलता रहा। और अब चूंकि कल चुनाव है और चुनावों से पहले जो है इस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ था और जो जो अलग अलग नेता, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता कार्यकर्ता जिन जिन की विजुअल्स हमारे पास थे वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और क्या आरोप
प्रत्यारोप वो लगा रहे थे वो आपको सुनाने की कोशिश की है। वोट के लिए भी अपील है कि आप तमाम लोग वोट करने जरूर जाएं, बिना किसी दबाव के वोट करें, अपना मनपसंद उम्मीदवार जो है उसके लिए वोट करें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।